अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, कल की और आज की सारे के सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये समेटने का टाइम ही नहीं मिला है। अभी फ़िलहाल असर का अज़ान हो गया है तो ये सब रहने देते हैं और बाद में मैं इंशाल्लाह आज इफ्तार के बाद में ये समेट लूँगी। और अभी मैं जल्दी जल्दी जाके पहले इफ्तार और सहरी की तैयारी में कर लेती हूँ। तो चलिए, आप लोग भी चलिए आइए, हम एक साथ जाके हम तैयारी करते हैं। ये देखिए, मैंने सहरी के लिए मटन आलू की भुना बना लिया और ये मुझे बहुत दिन से चना दाल की मटन खाने का मन कर रहा था तो मैंने बना लिया है। आज मैंने इफ्तार में ये देखिए पुलाव, सादा पुलाव बना लिया और ये चना और ये खीर बना लिया, गाजर और चावल का खीर। ये खीर है हमारे आसामी कॉर्न जोहार चावल की खीर है, साथ में मैंने गाजर दे दिया तो अलग तरह से बनाया। ये देखिए फ्रूट्स ले लिया, ये रूह अफ़ज़ा ले लिया। अभी मैं प्लेटिंग करने वाली हूँ। आयु इधर देखिए बैठी हुई है। I love the sound when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone. Baby, you make it look easy. At the top, but you can meet me. Ah, rising, shining like the sun. You're the coffee in my cup. Couldn't ever get. গলু ইংলিশত কি কয়? অসমীয়াত গৰু, আসামিছত ইংলিছত গৰু, কাউ। ইংলিছত কি কয়? কাউ। আসামিছত গৰু। গুড গাৰ্ল। आप लोगों ने देखा है, मैंने इफ्तारी के बाद मेरे जो कल और आज के जो कपड़े जितने इतने सारे कपड़े थे वो समेट लिया। और बीच में आयु के पापा गए थे तो आयु रो रही थी, ये देखिए अभी खेल रही है। तो मैंने अपने कपड़े सारे समेट लिया है और अपना और आयु के पापा के दूसरे कमरे में, और आयु के इस वाले अलमारी आयु की है और थोड़ा सा आयु के पापा भी रखते हैं और पूरे की पूरे आयु की है। तो इस वाले अलमारी में आयु के कपड़े भी रख दिया मैंने। तो आज छोटा सा एक ब्लॉग मैंने शूट किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि हर रोज़ का
जो होता है वही हो रहा था आज, तो कुछ अलग कुछ हुआ ही नहीं जो आप लोगों को दिखा पाओ और शूट करो, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो सुबह से कोई शूट नहीं किया। और आज ज़्यादातर वक्त मतलब आयु के साथ ही मैंने आयु को पढ़ाने में लगा दिया, और आयु पढ़ने में बैठी ज़रूर थी पर पढ़ी नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम बैठना पड़ा आयु को लेके। एक्चुअली आयु के दादी ने लॉलीपॉप लाया था, वो खाने में आधा दिन तो चला ही गया। उसके बाद खुशी और सबीना आई थी, तो हम सब अदरक लहसुन छीलने में लगा दिया टाइम, तो इधर आयु नहीं पढ़ रही थी। उसके बाद आयु उनके साथ खेली थी थोड़ी देर, तो मैंने दूसरे काम कर ली। ऐसा ही मतलब पूरे दिन ऐसे ही चले गए थे, तो इसलिए मैंने पूरे दिन की कोई वीडियो शूट नहीं की। बस असर के नमाज के बाद से ही मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया। अभी इशा का अजान होने वाले हैं, तो मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग लेके फिर से मुलाकात होगी। दुआ में हमें याद रखिएगा। मेरी वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।